விமானம் தாங்கி INS விக்ராந்த் போர்க்கப்பலை நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கும் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேசி வருகிறார். நேரலையில் பார்க்கலாம். ஸ்ரமிக் பாய் பஹனோ கா அபிநந்தன் கர்த்தா ஹூ ஜினோனே இஸ் சப்னே கோ சாகார் கியா ஹை. கேரளா கி புண்ணிய பூமி பர் தேஷ் கோ யே உபலப்தி एक ऐसे समय पर मिली है जब ओणम का पवित्र पर्व भी चल रहा है. मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं. साथियों, INS विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है. ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है. इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है. ये स्टील DRDO के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया. एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है. इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है. इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है. विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं. ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है. मेगा इंजीनियरिंग से लेकर नैनो सर्किट्स तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनीय था वो हकीकत में बदल रहा है. साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से पंच प्राण का आह्वान किया और हमारे हरि जी ने भी इसका उल्लेख किया. इन पंच प्राणों में पहला प्राण है विकसित भारत का बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग, तीसरा प्राण है अपनी विरासत पर गर्व, चौथा और पांचवा प्राण है देश की एकता एकजुटता और नागरिक कर्तव्य. INS विक्रांत के निर्माण और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की ऊर्जा को देख सकते हैं. INS विक्रांत इस ऊर्जा का जीवन संयंत्र है. अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर केवल विकसित देश ही बनाते थे. आज INS விக்ராந்த் போர்க்கப்பல் நாட்டின் பெருமை என்றும் INS விக்ராந்த் போர்க்கப்பல் இந்தியாவின் முன்னேற்றத்தை காட்டுகிறது என்றும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டு உரையாற்றி வருகிறார்.